तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको डिफेक्ट केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको डिफेक्ट केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाऊँगा, बेसिक से लेकर हम फाइनली क्रोगरबिंग नोटेशंस लिखेंगे, डिफेक्ट रिएक्शंस लिखेंगे, स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे। मतलब इसमें मैं मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी डिफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है वो सब चीज़ कवर करूँगा, फ्रॉम दी बेसिक टू दी एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डिफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ डिफेक्ट? सब हमें पता होना चाहिए डिफेक्ट क्या है। ए डिस्टर्बेंस डेविएशन इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयन्स और डिसलोकेशंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी आयन्स एटम्स का डिसलोकेट हो जाना, मतलब अगर वो अपनी पोजीशन से, मतलब जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है अगर उससे वो डेविएट करते हैं तो किसी भी क्रिस्टल को हम डिफेक्ट कहेंगे कि उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। मतलब कि अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस से, अपने ओरिजिनल अरेंजमेंट से अगर वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा भी तो उस चीज़ को डिफेक्ट कहा जाता है। अब ये देखिए, जैसे कि अगर हम, ये क्रिस्टल है, इसके अंदर सारे एटम्स हैं और सबके सब एटम जो हैं अपनी पोजिशन पर हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, तो इस चीज़ को हम डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल कहते हैं। मतलब डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल, क्योंकि सारे जो एटम हैं वो अपनी पोजीशंस पर हैं, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर एटम नहीं है, और सारे के सारे जो एटम हैं वो बिल्कुल सेम हैं। मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उसकी जिस वजह से डिफेक्ट है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसको डिफेक्ट को हम परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं या फिर डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल। लेकिन अगर हम एज अ रियलिटी में देखें तो कोई भी क्रिस्टल कितना भी परफेक्ट अरेंज हो वो डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो इनर साइड में एटम्स हैं ये तो चारों तरफ साइड से बॉन्डेड हैं और सब के सब अरेंज्ड हैं, लेकिन अगर हम सरफेस पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है बॉन्ड है ही नहीं, तो ये एक तरह से इसमें डिफेक्ट हो गया। इवन दो हम इस तरह के क्रिस्टल को डिफेक्ट फ्री कहते हैं, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ये भी डिफेक्ट फ्री नहीं होता ऑन दी सरफेस पर। ठीक है, लेकिन हम डिफेक्ट केमिस्ट्री में जब भी पढ़ेंगे इस तरह के क्रिस्टल को, हम उसे डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल कहेंगे या फिर परफेक्ट क्रिस्टल भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, वो हम एक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सरफेस पर तो डिफेक्ट होगा ही होगा। अब देखिए, हम व्हाई डू वी केयर अबाउट डिफेक्ट्स? हम डिफेक्ट की क्यों केयर करें, फिर हम पढ़ें क्यों डिफेक्ट? डिफेक्ट को हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की या किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम्स की, तो वो उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, और अगर अरेंजमेंट चेंज हो गया तो उसका मतलब उसके अंदर डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट आने का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी। मैनी प्रॉपर्टीज़ मे बी अल्टर्ड बाय द डिफेक्ट एंड द इम्प्योरिटीज। अब ये देखिए, डिफेक्ट जो है इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नली कोई एटम्स को हम उसमें मिलाते हैं या फिर किसी एटम को रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम उसके ओरिजिनल सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। और अगर ओरिजिनल सीक्वेंस को चेंज करने का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट होना। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारी वो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। तो डिफेक्ट केमिस्ट्री जब पढ़ी जाती है तो वो एज ए नेगेटिव रेस्पेक्ट में भी नहीं, हम उसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। जब हम डोपिंग करते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिवली हम इसे यूज़ करा जा कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट मे बी हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी और इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ में काम आता है तो हमें इसलिए डिफेक्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह की जो होती हैं जो इसके डिफेक्ट की वजह से चेंज होती है, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अलाइज फ्रॉम इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। देखिए, जब हम डोपिंग करते हैं किसी मटेरियल की, उसको अलॉय बनाते हैं, तो वहाँ पे हम डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे? डोपिंग करके। उससे क्या होती है, उसके कई बार हम उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, कई बार हम उनकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, डोपिंग इन सेमीकंडक्टर, जैसा मैंने बताया सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स को इम्प्रूव करने के लिए डोपिंग की जाती है, तो वो भी एक तरह का डिफेक्ट ही है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, वेवलेंथ ऑफ लाइट बीइंग एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मटेरियल कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो डिफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो डिफेक्ट क्या करते हैं, जो लाइट है मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है डिफेक्ट, कुछ को एमिट कर देता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक तरह से हम उनको पहचान भी सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। तो मल्टीपल तरीके से हम डिफेक्ट का एक यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया वाई डू वी केयर अबाउट डिफेक्ट और वाई वी स्टडी अबाउट डिफेक्ट्स, मतलब हमें डिफेक्ट के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम जो डिफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। देखिए डिफेक्ट जो है वो एक क्लासिफिकेशन जो होता है डिफेक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, लाइक वन डायमेंशनल डिफेक्ट, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, वन डायमेंशनल डिफेक्ट, टू डायमेंशनल डिफेक्ट एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में मल्टीपल टाइप के डिफेक्ट आते हैं, ऐसे ही जीरो डायमेंशन में भी, टू डायमेंशन में भी, लाइन डिफेक्ट हो गया, सरफेस डिफेक्ट हो गया, वॉल्यूम डिफेक्ट, ये सब होते हैं डिफेक्ट डिफरेंट टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अब हमें जो डिफेक्ट केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमें पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट जीरो डायमेंशन होता है क्योंकि इसकी कोई भी हम डायमेंशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए स्टडी का टॉपिक क्या रहेगा डिफेक्ट केमिस्ट्री में, ओनली पॉइंट डिफेक्ट। तो अब हमें फर्दर पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाई अगर करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट होता है वैकेंसी, इंटरस्टीशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। अब ये सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब ये देखिए जब भी हम पॉइंट डिफेक्ट को डिवाइड करते हैं इस कैटेगरी में तो उसमें भी दो तरह के डिफेक्ट पहले ही हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रेंसिक डिफेक्ट एंड एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट। अब इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक क्या होते हैं? इंट्रेंसिक डिफेक्ट उन डिफेक्ट को कहा जाता है जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर से ही कुछ चेंजेस हो, लाइक कोई अंदर ही एक एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर चला जाए, मतलब कि इंटरनली उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होना और उसकी वजह से कोई वैकेंसी क्रिएट होना या फिर कोई और एक्स्ट्रा एटम कहीं से रिप्लेस हो जाना, ठीक है। तो जब इंटरनल इफेक्ट की वजह से डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक डिफेक्ट। और वही अगर हम कोई बाहर से डोप करें, कोई और एलिमेंट को डालें और उसकी हेल्प से हम दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दें जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट था, उसकी जगह हम एक्सटर्नली कोई नया एटम इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो डिफेक्ट जो क्रिएट होगा वो एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई इन सारे डिफेक्ट की। लाइक वैकेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं इंट्रेंसिकली भी, मतलब अंदर से ही कोई एक एटम अपनी पोजिशन को लीव करके किसी और पोजिशन पर चला जाए तो उसे हम वैकेंसी इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंट्रेंसिक डिफेक्ट कहेंगे। और अगर वैकेंसी किस वजह से क्रिएट हो के हमारा जो बाहर से कोई एटम आए और उसकी वजह से कोई एक वैकेंसी जनरेट हो तो वो एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डिफेक्ट ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पर समझ आया होगा कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। तो डिफेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें ये इसके सराउंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे उसको डिटेल में और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिफेक्ट के डिफरेंट डायमेंशन पे, अब हमने डिफेक्ट को पढ़ लिया जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे कैसे डिवाइड होता है। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? इम्परफेक्शंस इन द क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट लाइक रीजन विच एक्सटेंड वन और टू एटॉमिक डाया। मतलब ये हुआ कि ऐसा डिफेक्ट जो कि एक पॉइंट लाइक रीजन कवर करे, लाइक इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि पॉइंट लाइक रीजन को डिनोट करे और उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो कितनी बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम वन या टू एटॉमिक डाया के इक्वल, तो उस डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे आप? इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट लाइक रीजन विच एक्सटेंड टू वन और टू एटॉमिक डाया, ठीक है। ये हमारी पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पॉइंट डिफेक्ट जनरेट होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से पॉइंट डिफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस लाइक स्लो हीटिंग, जब हम स्लो हीट करते हैं इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए, तो उस टाइम स्लो हीटिंग की वजह से भी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टल ग्रोथ के टाइम पॉइंट डिफेक्ट जनरेट होते हैं, क्विंचिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इराडिएशन, ये सारे जो है वो फैक्टर्स हैं, या फिर कह सकते हैं हम, कोई पूछेगा कि किस किन किन कारणों से या फिर वॉट किन किन कॉजेज की वजह से पॉइंट इफेक्ट जनरेट होते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि लाइक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्रिस्टल ग्रोथ, क्विंचिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इराडिएशन। तो आई होप कि आपको पॉइंट इफेक्ट की डेफिनेशन समझ आई होगी और क्या रीज़न होते हैं उनके वो भी समझ आया होगा। अब हम पॉइंट इफेक्ट के जो हमने डिवाइड किया था वैकेंसी, इंटरस्टीशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, उन्हें सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है।
तो पॉइंट डिफेक्ट में हमारा सबसे पहला डिफेक्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन इन ए सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट देन कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए, जब भी सॉलिड के अंदर, जो सॉलिड क्रिस्टल होता है उसके अंदर कुछ लैटिस साइट्स होती है, मतलब जहाँ जहाँ पर एटम्स को रखा जाता है ना, हर एक पॉइंट को हम लैटिस की साइट कहा जाता है, मतलब किस पोजीशन पर एटम रखा है, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई भी लैटिस साइट्स वैकेंट रह जाती है तो उस की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उस चीज़ को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब जैसे कि ये कोई क्रिस्टल हम मान लेते हैं, अगर हम माने जैसे ये कोई एक क्रिस्टल है, अब इसमें से ये वाला जो एटम है ये निकलकर कहीं और चला जाता है, तो हमारे पास जो क्रिस्टल अब बचेगा वो इस तरह का क्रिस्टल बचेगा, तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो ये एक तरह से वैकेंसी हो गई, तो इस चीज़ को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यही कहा गया है, व्हेन इन ए सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट देन कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसको हम नॉन आयनिक डिफेक्ट कहते हैं। क्यों नॉन आयनिक कहते हैं? क्योंकि अगर हम आयनिक डिफेक्ट की बात करते हैं, जब हम आयनिक डिफेक्ट पढ़ते हैं तो आयंस होते हैं, आयंस होने का मतलब होता है चार्ज होता है, तो जब भी चार्ज आ जाएगा उसमें हमारे साथ तो वो एक ग्रुप में जाएगा, मतलब एक दो उसमें दो स्पीसीज उसमें साथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि ना चार्ज को बैलेंस करना होता है। लाइक अगर हम कहेंगे कि इसी वाले केस में अगर ये कैटायन है, अगर ये कैटायन निकल कर चला जाता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर एक चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज का बाहर हो जाना तो क्रिस्टल को अगर में उसकी जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका चार्ज डिसबैलेंस हो गया, तो वो तो डिफेक्ट नहीं हो क्रिएट कर पाएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट जहाँ भी आता है वो नॉन आयनिक डिफेक्ट होता है। क्यों नॉन आयनिक? मैंने आपको बता दिया किस वजह से नॉन आयनिक डिफेक्ट कहा जाता है ना, ऑब्जर्व्ड इन ए नॉन आयनिक सॉलिड, तो ये तो वही बात हुई। और इन डिफेक्ट को हम थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये थर्मोडाइनमिकली जनरेट होते हैं, मतलब हीट की वजह से या फिर जो थर्मोडाइनमिक चेंज होते हैं उनकी वजह से इनको जनरेट होते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट, इस वजह से इन्हें थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो क्या होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? देखिए जैसे कि ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है क्योंकि इसमें सारे एटम अपनी पोजीशंस पर हैं, सबके सब एटम फिल हैं। अब इसमें से ये जो वाला जो एटम है ये निकलकर कहीं और चला गया, तो देखिए ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल था और ये डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। अब देखिए जो वैकेंसी जनरेट हो गई इसकी जाहिर सी बात है इसमें एक एटम निकल कर चला गया, और एक एटम का निकल कर चले जाने का मतलब क्या, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो आई होप कि आपको वैकेंसी डिफेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए आगे मैं और उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्रोगर रिंग नोटेशंस, उसमें हम डिफरेंट डिफेक्ट रिएक्शन पढ़े जाते हैं, तो उसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी डिफेक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, जैसे कि ये सारी जो एटम्स हैं वो ए एटम है, इस एटम का नाम जो है ए है, लाइक ऑक्सीजन जैसे होता है, फ्लोरीन, कुछ भी एटम होगा उसकी जगह यहाँ पर हम ए एटम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर चला गया और यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वैकेंसी क्रिएट होने को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एटम है उसको ए से क्रिएट लिखेंगे। अब इस चीज़ को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा ए वी? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साइट किसकी थी, वो मतलब पोजीशन किसकी थी, तो यहाँ पर पोजीशन तो एक ही थी तो वो लिखेंगे, और उसकी जगह क्या आ गई, वैकेंसी। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर क्या है, वैकेंसी किसके प्लेस पर है, ए एटम के प्लेस पर, तो इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कहते हैं क्रोगर विंग नोटेशंस। वो मैं आपको ये डिफेक्ट केमिस्ट्री की जो वीडियो है उसमें भी अच्छे से डिटेल करूँगा कि सारी किस तरह से लिखी जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट्स इन द लैटिस। देखिए इंटरस्टीशियल साइट, अब आपको ये पता होना चाहिए इंटरस्टीशियल क्या होती है। तो देखिए जैसे कि ये कोई क्रिस्टल है एटम का,
इस तरह से एटम्स अरेंज्ड हैं। तो एटम्स की तो पोजीशन ये हैं सारी की सारी, जिनको हम लैटिस साइड भी कहते हैं। लेकिन जब ये एटम्स अरेंज होते हैं तो इनके बीच में स्पेस जो रहता है उन पोजीशंस को हम कहते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स। ठीक है, ये जो खाली पोजीशन रहती है, जैसे कि इस तरह से एक्चुअल में तो इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं बिल्कुल पास पास में, तो ये जो बीच में जगह रहती है उसको हम इंटरस्टीशियल साइट कहते हैं। तो जब कोई एटम यह बाहर से या फिर क्रिस्टल में से ही इस साइट के अंदर चला जाता है, मतलब इस पोजीशन पर अगर हम उसे एक्सपेंडेड व्यू में दिखाएं, तो उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब इंटरस्टीशियल में किसी फर्दर एटम का आ जाना, तो उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड्स, तो ये भी नॉन आयनिक में, क्योंकि याद रखिएगा आप कि जब भी सिंगल टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरेट होगा तो वहाँ पे नॉन आयनिक होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें चार्ज को बैलेंस नहीं करना पड़ता। तो ये इंटरस्टीशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। इसके डायग्राम देखिए, ये परफेक्ट क्रिस्टल है हमारा, सारे एटम्स परफेक्ट हैं। अब कोई एटम जो है वो यहाँ पर इंटरस्टीशियल साइट्स में आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाली साइट जो होती हैं वो इंटरस्टीशियल साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई बाहर से कोई एटम आ गया हमारा निकल कर, तो डिफेक्ट तो ये इंटरस्टीशियल ही हुआ। लेकिन इसको अगर हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, और देखिए दूसरा क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में यहाँ से हमारा एक एटम निकल कर यहाँ पर आ गया है, तो ये इंटरनली एटम डिस्प्लेस हुआ है, मतलब हमारा इंटरनल कोई एटम यहाँ से इंटरस्टीशियल साइट में आ गया। तो इस डिफेक्ट को हम कहेंगे सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, और ये होगा सिर्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो कहीं पर लिखा रहता है कि डेंसिटी नो चेंज, कहीं पर लिखा रहता है डेंसिटी इंक्रीज, तो वो कन्फ्यूज़न का रीज़न ये होता है कि जहाँ पर वो कहता है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पर उसका कहने का सेंस होता है कि कोई बाहर का फॉरेन एटम आकर उसकी इंटरस्टीशियल साइट में आ गया है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और किसी बुक में वो रेफरेंस देता है कि इंटरनली कोई एटम जो होता है वो मूव करके उसकी इंटरस्टीशियल साइट में चला गया है, जिसकी वजह से एटम्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो इस वजह से उसकी जो डेंसिटी में नो चेंज होता है। तो आपको आई होप कि ये वाला कन्फ्यूज़न भी आगे कभी नहीं होगा कि इंटरस्टीशियल में डेंसिटी इंक्रीज़ होती है या नहीं चेंज होती। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करता है कि इंटरस्टीशियल एटम कहाँ से आ रहा है। इसका सिंबल देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए अब यहाँ पर वही कि कोई एटम ए आ गया, और साइट कौन सी थी, आई, आई से हम डिनोट करते हैं इंटरस्टीशियल को। तो देखिए साइट जो होती है वो नीचे लिखा जाता है, मतलब किसकी जगह पर आया या फिर किस जगह पर आया उसको हम नीचे लिखते हैं, और कौन आया उसको फर्स्ट टाइम लिखते हैं। तो कौन आया अगर हम सिंबल में लिखेंगे, तो ए एटम आया कहाँ पर, इंटरस्टीशियल साइट में, तो इस वजह से इसको ए आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये होती है हमारी क्रोगर विंग नोटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा शॉटकी डिफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ए पेयर्ड सेट ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, इसी वजह से स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो जब हमारा एक पूरा सेट कैटायन का या फिर एंड एनायन का दोनों एक साथ वैकेंसी क्रिएट करते हैं, मतलब एक साथ हमारे कैटायन और एनायन निकल कर चले जाते हैं हमारे क्रिस्टल से, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम शॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, लेकिन ये जो होता है इक्वल नंबर कहने की बजाय अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए पेयर्ड सेट, मतलब कि वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन है उस हिसाब से हमारा एक सेट निकल कर जाता है। जैसे कि अगर हमारा कैटायन पे दो चार्ज है और एनायन पे सिंगल चार्ज है, तो उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग सेट निकल के जाएंगे, मतलब दो कैटायन निकलेंगे और एक एनायन, इस तरह से जो होता है स्टिकोमेट्रिक को मेंटेन करा जाता है। तो सिंपल याद रखना है कि वैकेंसी क्रिएट होती है कैटायन और एनायन की एक साथ, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये कंडीशन ज़रूरी है कि क्रिस्टल को है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि NaCl एंड KCl। डायग्राम अगर देखिए, ये परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल मान लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटली अरेंज है। अब इसमें से क्या होता है कि एक कैटायन हमारा
एक एनायन नेगेटिवली चार्ज वो निकल कर चला गया बाहर, तो एनायन वैकेंसी जनरेट हो गई। और इसी तरह एक कैटायन भी निकल कर यहाँ से चला गया यहाँ पर से, तो ये कैटायन वैकेंसी। तो जब कैटायन और एनायन दो वैकेंसी क्रिएट होती हैं एक साथ, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। अगर शॉटकी डिफेक्ट को लिखने का तरीका मैं बताऊँ तो देखिए इसको इस तरह से शो करा जाता है। डिफेक्ट रिएक्शन जब भी लिखी जाती है तो स्टार्ट करते हैं हम नल से, और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी एक कैटायन की, प्लस वैकेंसी क्रिएट होगी एनायन की, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा एयर भी। तो इस तरह से हम शॉर्ट की डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नल से एक वैकेंसी हमारी कैटायन की क्रिएट हो गई और एक वैकेंसी हमारी एनायन की क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टीशियल साइट कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए जब भी हमारा कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जब मिस हो जाता है अपनी पोजीशन से और ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टीशियल साइट, तो देखिए आपको इंटरस्टीशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरस्टीशियल साइट क्या होती है, जैसे कि ये एटम्स अरेंज है तो इनके बीच में जो एक खाली स्पेस रहता है उसको हम इंटरस्टीशियल साइट्स कहते हैं। तो हमारा जो कैटायन है क्रिस्टल से निकलकर, मतलब जैसे ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल से निकलकर इस साइट में चला जाता है, तब हम उसे फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। आगे से मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। तो कैटायन इज मिसिंग, तो ये ध्यान रखना कैटायन कहा गया है यहाँ पर, जब कैटायन मिस होता है अपनी पोजीशन से और ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टीशियल साइट उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये चीज़ को भूल जाते हैं, यहाँ पर एनायन लिख देते हैं, यहाँ पर जनरल कोई भी आयन लिख देते हैं, लेकिन वो आयन नहीं, स्पेसिफिकली कैटायन कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर डायग्राम देखें तो देखिए एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, मतलब कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो कैटायन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो निकल कर गया है, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो निकल कर चला गया, मतलब यहाँ पर कैटायन की वैकेंसी क्रिएट होकर, और कहाँ चला गया वो इंटरस्टीशियल साइट में। तो कैटायन इंटरस्टीशियल और कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट एक आयनिक डिफेक्ट है, और ये कब जनरेट होता है, जब कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है और वो कैटायन चला जाता है कहाँ, कैटायन इंटरस्टीशियल साइट में। तो कैटायन वैकेंसी प्लस कैटायन इंटरस्टीशियल कंबाइन करके हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। अब अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारा एनायन निकल कर चला गया, तो उसको हम फ्रेंकल नहीं, उसको हम एंटी फ्रेंकल डिफेक्ट कहा जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, एनायन एंटी फ्रेंकल डिफेक्ट। लेकिन ये कम चांसेस होते हैं कि वो इंटरस्टीशियल साइट में जाए, क्यों, क्योंकि जो हमारा कैटायन होता है वो स्मॉलर साइज का होता है एनायन से मोस्ट ऑफ द टाइम, इसी वजह से जो हमारा कैटायन है उसको इंटरस्टीशियल साइट में जाना आसान रहता है, इसी वजह से जो हमारा कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होकर इंटरस्टीशियल में जाती है वो ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से उसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। और अगर एनायन चला जाए इंटरस्टीशियल साइट में वहाँ की वैकेंसी क्रिएट करके, तो उसे हम कहते हैं एंटी फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आपको यहाँ दो चीज़ भी पता चल गई कि फ्रेंकल डिफेक्ट और एंटी फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या फ़र्क होता है। फ्रेंकल में कैटायन मूव करता है और एंटी फ्रेंकल में एनायन मूव करता है। अब फ्रेंकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन रही, क्यों, क्योंकि जो चार्ज था वो अंदर ही रहा, मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ और अंदर ही रहा, वो कहीं बाहर तो गया नहीं, तो चार्ज तो बैलेंस रहा ही। और स्टीचियोमेट्री भी मेंटेन रही, क्यों, क्योंकि जो एटम्स थे वो उतने ही रहे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, ना कुछ बाहर गया ना कोई बाहर से आया, तो स्टीकोमेट्रिक भी मेंटेन रही। एनायन आर मच लार्जर देन कैटायन। और फ्रेंकल डिफेक्ट इसी वजह से कैटायन शो करते हैं क्योंकि एनायन जो है वो
बड़े साइज के होते हैं कैटायन से। इसके एग्जांपल कौन कौन होते हैं, AgCl, AgBr। अगर आपको डिफेक्ट रिएक्शन देखनी है फ्रेंकल डिफेक्ट की तो वो ये है। इस तरह से हम डिफेक्ट रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये कोई एक AgCl का क्रिस्टल है, यहाँ पर हम जो डिफेक्ट रिएक्शन को लिखते हैं उसका एक तरीका होता है ज़ीरो या फिर यहाँ पर नल लिख देते हैं। तो नल लिखने के बाद ये एरो लगाते हैं और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, किसकी, कैटायन की। कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई और यहाँ पर क्या हुआ, कैटायन जो है वो इंटरस्टीशियल साइड में चला गया। तो इस तरह से हम फ्रेंकल डिफेक्ट के रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। तो मैं डिफेक्ट केमिस्ट्री की और आगे कंटिन्यू जब करूँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा कि डिफेक्ट रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, कैसे चार्जेज आते हैं, क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फ्रेंकल डिफेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन एक बार और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक डिफेक्ट के बारे में, डिफरेंस भी देख लेते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होते हैं, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्टिवेशन प्रेजेंट वेयर देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस एंड द एनवायरनमेंट। तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट जो जनरेट होते हैं वो मेनली थर्मल इफेक्ट, थर्मल एक्टिवेशन की वजह से होते हैं, मतलब हीट की वजह से। उसके अंदर कोई भी ऐसी रिएक्शंस करनी होती, बाहर से कोई, बाहर से इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उस टाइम से जो थर्मोडाइनमिकली डिफेक्ट जनरेट होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहा जाता है। ऑलवेज प्रेजेंट एट टी ग्रेटर देन जीरो, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है ना, और उससे ज़्यादा पर प्रेजेंट रहेंगे तो हमेशा डिफेक्ट रहेंगे, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता, उसमें डिफेक्ट हमेशा रहेगा ही। क्यों, क्योंकि टी अगर जीरो केल्विन से बड़ा है तो यानी कि उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं ये इंटेंसिव डिफेक्ट जो होते हैं, वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल डिफेक्ट कहा जाता है। तो ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट हो गए। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ए सब्सटेंस थ्रू रिएक्शन विद द एक्सटर्नल एजेंट लाइक सब्सटेंस एंड एनवायरनमेंट। जो डिफेक्ट बाहर की रिएक्शन के थ्रू या एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू क्रिएट होते हैं, जैसे कि किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा ली या फिर एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन हो गया, उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। इट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द मेटल प्रोसेसिंग लाइक रैपिड क्विंचिंग, और ये मेटल प्रोसेसिंग की प्रोसेस से भी हो सकते हैं, जैसे कि रैपिडली हम क्विंच कर, क्विंच का मतलब क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से उसे ठंडा कर दिया, हमने एकदम से उसे टाइम ही नहीं दिया, तो उस वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हुए वो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट जनरेट होंगे। देयर आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाई केमिकली, और ये जो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होते हैं वो केमिकली भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे क्रिस्टल के अंदर। तो आई होप कि आपको इंट्रिंसिक डिफेक्ट और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा।